जम्मू कश्मीर की राजनीतिक हलचल से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भाजपा की सेना की नई प्लानिंग की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान सेना पीओके में आतंकियों के साथ कर रही है ट्रेनिंग। भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वहां की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और उसको जम्मू कश्मीर में उन लोगों को यहां लाकर और यहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में एक बार फिर से पाकिस्तान लगेगा। और ये काम जो लोग कर रहे हैं उसके साथ बात करने के पक्षधर में है हरबक्ष सिंह की पार्टी महबूबा मुफ्ती पीडीपी। खैर उस तरफ जाएं उससे पहले देख लीजिए पाकिस्तान क्या चाह रहा है, उसकी चाहत समझ लें, उसके बाद जो पीडीपी की चाहत है वो कितनी तर्कसंगत है वो हरबक्ष सिंह से समझ लेंगे। कश्मीर में सियासी हलचल, पाकिस्तान रहा है मचल। क्यों मचल रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान यहां पर लोगों की भलाई, डेवलपमेंट के काम को अपने तरीके से और आगे करता ले जाएगा, वो ख्वाब जो अपने लोगों को मिलिट्री वहां बेच बेच कर वहां से पैसे उगा कर अपना वजूद बनाए रखती है वो समाप्त होता जाएगा। ऑपरेशन तस्खीर जबल मतलब पहाड़ों पर कब्जा। अलग अलग नाम से ये बहुत फैंसी नाम उनके हिसाब से देते रहते हैं और क्या हुआ है वो भी आप जानते हैं। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग दे रही है, असलहा मुहैया करा रही है। और किस चीज की ट्रेनिंग दे रही है? गोरिल्ला युद्ध लड़े जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको छापामार तरीके से कैसे इंडियन आर्मी से जाकर उनको परेशान करना है, उनसे लड़ाई लेनी है, ये सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग का मकसद क्या है? ट्रेनिंग का मकसद है जम्मू कश्मीर में अशांति कायम रखना, सियासी वहां पर स्थायित्व ना आने पाए, ये बात उनकी तरफ से इंश्योर करना। ट्रेनिंग कहां हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है रावलकोट के तोलीपीर इलाके में, पुंछ, कोटली, मंगला और भिम्बर के जस्ट अपोजिट। और आतंकियों की नई रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि मूवमेंट रोका जाए, जो सेना का मूवमेंट है रोका जाए, ग्रेनेड फेंका जाए, हथियार छीनकर भाग जाएं, गश्ती दल पर अचानक हमला करें और उन्हें सरप्राइज करें, वो जो वो लगातार करते रहे। ऐसा नहीं कि कुछ नया इस बार कर दिया है और कुछ नया खोज कर लिया है, लेकिन उनकी मंशा क्या है और उनकी बेचैनी किस कदर और बढ़ती जा रही है इस बात का सबूत है ये सेना की तरफ से आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग और उनकी घुसपैठ कराए जाने की कोशिश। हरबक्ष साहब, दिक्कत यह है कि हमने हमेशा बातचीत की पहल की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमको मालूम है कि बातचीत करना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति से विनय न मानत जलधि जड़ वाली स्थिति है। अब तो यह है कि कांटे पे कदरी फरे, इनके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। और यह बात उनको समझना चाहिए जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं। देखो, जब वाजपेयी जी का वक्त था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वार्ता हुई, बातें हुई, बॉर्डर पे टेंशन कम हुआ, मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ। आज भी आप 2 महीने से देख रहे हो कि सीज फायर है बॉर्डर पे। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि यहाँ पीस हो, क्योंकि देखो जो लोग अभी आप लोग बैठ के वहाँ चैनल में या दिल्ली के स्टेडियम में डिबेट कर रहे हैं, मैं त्राल में रहता हूँ, मैं वहाँ से इलेक्टेड DDC मेंबर हूँ, मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए काम करना मिलिटेंसी में। तो मैं घर में नहीं रह रहा हूँ, मैं रात को अपने इलाके में नहीं रह सकता हूँ, तो मेरे लिए पीस कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारी एडवोकेसी इसलिए नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए पीस चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के लिए पीस चाहते हैं। कौन नहीं चाह रहा पीस? आप लोग पीस चाह रहे हैं, कौन नहीं चाह रहा पीस? ट्रेनिंग कैंप वही है, सारा कुछ वही है, तो बातचीत से ही मसला हल होगा कि समझाया जाएगा, भाई आप भी जो ये कर रहे हो यहाँ पे, पीस जितनी जल्दी आएगा आपके मुल्क के लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए, आपके मुल्क के लिए भी। हरबक्ष जी, हाँ नहीं, मेरा मुल्क है ये, मैं अपने मुल्क की बात, मैं अपने पीस नहीं चाह रहा, ये बताइए। अगर हम आज बात कर रहे हैं, जाके प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम अपनी डेमोक्रेसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पक्षधर हैं कि वो खून बहाता रहे और हम बात करते रहे। हमने, हमारा जो कायद था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुका है, और अगर आज आप उस पार्टी को पाकिस्तान समर्थक बोलेंगे या उस पार्टी को पाकिस्तानी पार्टी बोलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा, उसकी पार्टी है ये, वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था, और अगर आज आप उसको, हम अपने जम्मू कश्मीर के पीस के लिए, अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, बात का जवाब दीजिए, इतिहास में भी नहीं जाते। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो खून बहा रहा है उससे आप बात करने के पक्षधर हैं? नहीं लिया था 370 और 35 से हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया था, 370 और 35 से हमें जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के संविधान ने दिया था, और हम उसी संविधान से फिर दोबारा अपना हक मांगते हैं। इसमें कितने दिनों तक दिया गया था हरबक्ष जी, कितने दिनों तक था ये प्रोविजन? कितने दिनों तक था?
ये तो आपको पता 35 से बताइए कितने दिनों तक था, आप जानकारी दे ही रहे हैं तो पूरी दे दीजिए। हरभक्त जी, हिंदुस्तान के लिए सूट करने वाला कदम कोई आपको सूट क्यों नहीं करता? अच्छा ये बताइए, वहाँ आपको दिक्कत क्या है? वहाँ विकास हो रहा है, शांति है, ये दिक्कत है क्या आपको? जब ये इल्हाक हुआ था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने एक हिंदू राष्ट्र के साथ हाथ मिलाया था। कह रहा हूँ आपको, वहाँ दिक्कत क्या है? 370 से पहले बड़ी अच्छी स्थितियां थी क्या वहाँ? 370 हटने के पहले बड़ी अच्छी स्थितियां थी क्या? खुला था उस वक्त, पाकिस्तान का भी ऑप्शन खुला था। अभी बहुत खराब है क्या? अवाम ने हिंदुस्तान को चुना क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी और डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले। फिर भाषण देने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, ये समस्या है बीच में। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपके पास लौटता हूँ। अमजद साहब, अब ये जरा समझाइए, जो आप कहते हैं कि ये कड़वे कड़वे लोग हैं, ये कड़वाहट क्यों है? ये कड़वाहट इसलिए है कि इनको ये करेला ही सूट कर रहा है, वही उनकी भूख मिटाता है, या फिर आपको लगता है कि इनको इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या हाल होगा? ये पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, ये मतलब इनकी ये इनकी इनकी नादानी है, या यही इनकी इनका शयानापन है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इनकी बातें सुन के तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इनकी सोच अभी भी कबायली सोच है, कि वो होता ना, मैं ना मानू। आज की जो जदीद सोच है डेवलपमेंट की, जो ग्लोबलाइजेशन की जो सोच है, न्यू लिबरलिज्म की जो सोच है, जो मोदी जी लेके आज चल रहे हैं भारत में, उससे ये कोसों दूर है। ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमें मुदाकरात करने चाहिए। भारत ने, भारत से भी पहले महाराजा हरि सिंह ने जिन्ना के साथ मुजाकरात किए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन हुए, 15 अगस्त को साइन हो गए, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान ने उस अमन का क्या जवाब दिया? 22 अक्टूबर 1947 को हम पर हमला किया, उसके बाद दोबारा अमन की बात हुई, अयूब खान ने क्या किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, ऑपरेशन टोपैक किया। एक ऑपरेशन हो, गुलमर्ग ऑपरेशन से लेकर तो दत्ताखेल ऑपरेशन तक, ये क्या है? ये हमारे पुर अमन रहने के लिए निगोसिएशंस की दावत का उनका जवाब था। इस वक्त भी जो सीज फायर हुई है 25 फरवरी को, वो हमारी जदोजहद की वजह से हुई है कि भाई पाकिस्तान के साथ पीस किया जाए। पाकिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया? तोली पीर पर कब्जा, 700 बंकर बना रहे हैं वो वहां पे, और लोगों के गांव में जाके उनकी जाती जमीनों पे कब्जे करके वहां एंटी जो है वो एयरक्राफ्ट और मोर्टर तोपे लगा रहे हैं, उसके ऊपर वो जाली डाल रहे हैं छुपाने के लिए उसको। कैसी बातें करते हैं? मैंने कहा कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक दहशत गर्दों के टोले के कब्जे में आए हुई मुख्तलिफ कौमों का एक अमाजगा है। पाकिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं, हम लोग अपने भारत देश के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। हमारे मिलने में सबसे बड़ी रुकावट ये जितने गुप्कार के लोग जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी रुकावट थे। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये जाएं दिल्ली, वहां सुने बात। मेरा आर्टिकल छपा है कल इंडिया में, एम्फी थिएटर ऑफ एनपीओजे के इलेक्शंस, उसको देख लें, उसमें मैंने सारी डिटेल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।